मैं राजन चौधरी आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हर घर की कहानी है। एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। सुबह उसने बच्चों का टेस्ट लिया था और उनकी कॉपीज चेक करने के लिए घर पे ले आई। बच्चों की कॉपीज देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसका हस्बैंड वहीं लेटे मोबाइल देख रहा था। उसने रोने का कारण पूछा। अब टीचर बोली कि सुबह मैंने स्टूडेंट्स को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश सब्जेक्ट पर कुछ लाइंस लिखने को कहा था। एक बच्चे ने इच्छा जाहिर करी है कि भगवान उसे मोबाइल बना दे। ये सुनकर उसका हस्बैंड हंसने लगा और टीचर बोली कि आगे तो सुनो, बच्चे ने लिखा क्या है। यदि मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो घर में मेरी एक खास जगह होगी और सारा परिवार मेरे आसपास रहेगा। जब मैं बोलूंगा तो सारे लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे, मुझे रोका टोका नहीं जाएगा और ना ही कोई उल्टे सवाल होंगे। जब मैं मोबाइल बनूंगा तो पापा ऑफिस से आने के बाद थके होने के बावजूद मेरे साथ बैठेंगे। मम्मी को जब तनाव होगा तो वो मुझे डांटेगी नहीं बल्कि मेरे साथ रहना चाहेगी। मेरे बड़े भाई बहनों के बीच मेरे पास रहने के लिए झगड़ा होगा। यहां तक कि जब मोबाइल बंद रहेगा तब भी उसकी अच्छी तरह से देखभाल होगी। और हां, मोबाइल के रूप में मैं सबको खुशी भी दे पाऊंगा। ये सब सुनने के बाद पति भी थोड़ा गंभीर होते हुए बोला कि हे भगवान, बच्चा कैसा बच्चा बेचारा, उसके मां बाप तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। टीचर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली कि जानते हो ये बच्चा कौन है? हमारा अपना बच्चा, हमारा छोटू। सोचिए, ये छोटू कहीं आपका बच्चा तो नहीं है? दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें वैसे ही एक दूसरे के लिए कम वक्त मिलता है, और अगर हम वो भी सिर्फ टीवी देखने, मोबाइल पर खेलने और फेसबुक से चिपके रहने में गंवा देंगे तो क्या हम कभी अपने रिश्तों को अहमियत और उससे मिलने वाले प्यार को समझ पाएंगे? प्लीज लिव सम ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम फॉर योर फैमिली। थैंक यू सो मच गाइस।